रिया चक्रवर्ती को आज जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, जमानत मिलेगी तो कब मिलेगी, इस बात को लेकर कई सारे सवाल चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को जब सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की थी, रिजेक्ट की थी उनकी बेल एप्लीकेशन, उसके बाद उनके वकील सतीश माने शिंदे ने कहा था कि वो हाई कोर्ट में अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे और ये कहा गया था कि वो मंडे को यानी सोमवार के दिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक उनके पास फुल ऑर्डर कॉपी नहीं आई है। जो कॉपी उनके पास अभी तक पहुंची है वो ऑपरेशनल कॉपी है और जब तक फुल ऑर्डर कॉपी नहीं आती वो बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो फुल ऑर्डर कॉपी आती है उसमें डिटेल में लिखा होता है कि ऑन व्हाट बेसिस उनको बेल नहीं दी गई है और उसके हिसाब से वो अपनी अगली एप्लीकेशन लगाते हैं। आज अगर उनको फुल ऑर्डर कॉपी मिल भी जाती है और वो अर्जेंट सुनवाई के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तब भी उन्हें मंगलवार यानी कल तक का इंतजार करना होगा, और अगर अर्जेंट सुनवाई नहीं होती है तो इस सुनवाई में और 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सोमवार का दिन तो, सोमवार की रात तो रिया चक्रवर्ती को जेल में ही काटनी होगी, और अभी तक इस पर कोई फिलहाल अपडेट नहीं आया है कि वो सुनवाई कल होने वाली है या 2 दिन बाद होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक फुल ऑर्डर कॉपी नहीं आ जाती और सतीश माने शिंदे जो उनके वकील हैं वो HC में अप्लाई नहीं कर देते तब तक इस पर अपडेट मिलना मुश्किल है कि अगली सुनवाई कब होने वाली है। तो फिलहाल अभी तक की खबर ये है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि कम से कम अगर जल्द से जल्द भी सुनवाई होती है तो कल होगी और अगर अर्जेंट सुनवाई नहीं हुई तो कम से कम 2 दिन बाद होगी। आगे कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले से जुड़े हुए, मैं लेकर आता रहूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ।